नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उप निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 12 जिलों के डीएम एवं एसपी हुए शामिल। राज्य में दूसरे दिन भी थमी रही ट्रकों की रफ्तार, करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ प्रभावित। प्रेमजीत हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, घटना में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। और शहर में नासूर बनी जाम की समस्या, डीआईजी की फंसी गाड़ी तो बॉडीगार्ड ने छुड़ाया जाम। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम मंगलवार को भागलपुर पहुंची, जहां उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन एवं चंद्रभूषण कुमार के साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने 12 जिले के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित एसएसपी एसपी और चुनाव कार्य से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उप निर्वाचन आयुक्त ने भागलपुर, बांका, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, किशनगंज, खगड़िया एवं अररिया जिले के डीएम एसएसपी एसपी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराने, मतदाता सूची, मतदान केंद्र की संख्या, ईवीएम, चुनाव में धन बल, शराब और ड्रग्स पर रोक लगाने के साथ M3 ईवीएम से चुनाव कराने और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही नेपाल, बंगाल, झारखंड समेत बिहार के सभी सीमावर्ती जिले पर विशेष निगरानी करने का आदेश दिया गया। इससे पूर्व उप निर्वाचन आयुक्त की डीएम प्रणब कुमार, डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सदर एसडीओ आशीष नारायण, सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई पदाधिकारियों ने अगवानी की, जबकि बैठक के बाद उप निर्वाचन आयुक्त बोध गया के लिए रवाना हो गए। सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा। भागलपुर के हवाई अड्डा मौजूद हैं और आपने देखा कि भाग यहाँ से उप निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के जो आए थे भागलपुर से, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, तो उन्होंने भागलपुर के जिलाधिकारी समेत 12 जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी के साथ डीआईजी, आईजी और आयुक्त से उनके साथ उन्होंने बैठक की। इलेक्शन को लेकर के बैठक हुई, बिहार विधानसभा 2020 का जो चुनाव होना है उसको लेकर के यह बैठक यहां पर की गई और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 से जुड़ी हुई सावधानियां बरतने को लेकर, उससे संबंधित जो इंतजाम किए जाने हैं उसको लेकर के भी कई जानकारी उप निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारियों से ली और साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके इसको लेकर के, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ तमाम जिलाधिकारियों और अधिकारी अधिकारियों से इस पर लेकर के विस्तार से वार्ता की। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उप निर्वाचन आयुक्त ने क्या दिशा निर्देश दिया। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिला प्रशासन की ओर से इसकी जानकारी दी जाएगी कि जो किस तरह की बैठकों में क्या निर्देश मिले या क्या तैयारी है। अभी हमारी बात फिलहाल डीआईजी भागलपुर से हुई थी तो उन्होंने कुछ जानकारी दी, लेकिन इसके लिए लगातार कुछ भी स्पष्ट फिलहाल कहना मुश्किल है और उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन इसको लेकर के ब्रीफिंग करे। और इसी के साथ आज हम आपको कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ, रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर जिले में 5000 ट्रकों के पहिए पर दूसरे दिन भी ब्रेक लगा रहा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए भागलपुर जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने NH 31 पर मंगलवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान NH एवं स्टेट हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लगी रही। जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि सरकार वर्ष 2019 में लागू किए गए मोटर अधिनियम को वापस ले, नहीं तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रवक्ता बबलू मंडल ने बताया कि बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार से ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया गया है। स्टेट हाईवे पर जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिनियम के विरोध में चक्का जाम कर जोरदार हंगामा किया। साथ ही परिवहन के अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी नए कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और ट्रक मालिकों को परेशान कर रहे हैं। संघ
ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द नए अधिनियम को वापस लेने की मांग की। साथ ही ट्रक मालिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। एसोसिएशन के सदस्यों ने वर्तमान सरकार को चालक एवं ट्रक ओनर्स के खिलाफ बताया और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कही। इधर ट्रक एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से शहर में फल, सब्जी एवं आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्रक वाले की दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रक के खिलाफ उनकी अधिनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली से सोमवार की दोपहर दिन दहाड़े प्रेमजीत सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सूरज यादव और उसके सहयोगी रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अपराधी के संबंध में जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर सुल्तानगंज थाना में सूरज यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसके बाद सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने महज 24 घंटे के भीतर ही सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानगंज थाना में कल दिनांक 14/9/2020 को एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियुक्त जिसमें सूरज यादव को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त सूरज यादव तथा उसका सहयोगी रोशन कुमार, सूरज यादव जो कि सुल्तानगंज का रहने वाला है और रोशन कुमार जो कि मुंगेर का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 बिरबन्ना चौक के समीप पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही कार से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। मामले को लेकर SDPO दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 8 बड़े पैकेट एवं 11 छोटे पैकेट से 93 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने देवरिया जिले के हृदयानंद उपाध्याय, पश्चिम बंगाल के अखिल दास व कुंज, वहीं बिहार के गोपालपुर निवासी सुजीत राय को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। तलाशी अभियान में सर्किल इंस्पेक्टर SN चौहान, बिहपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, नारायणपुर CO अजय सरकार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। चेकिंग चल रहा था हम लोगों का, वाहन चेकिंग तो इलेक्शन को लेकर के अक्सर चलता ही रहता है, तो आज वाहन चेकिंग चल रहा था तो इनको सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में हैं। उसको चेक चाक किए, चेक चाक करने पर उसमें गाड़ी के पीछे वाले सीट और डिक्की के बीच में कुछ पैकेट्स दिखाई हम लोगों को दिया। उसका चेक चाक करने पर पता चला कि ये तो गांजा है और उसमें 3 लोग गाड़ी में सवार थे, तो गाड़ी और 3 लोग और जो गांजा का पैकेट्स है उसको निकाल के वजन किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग वजन किए हैं उसके हिसाब से 93 के लिए गांजा बरामद हुआ है। भागलपुर के कई इलाकों में रोजाना जाम लग रहा है। मंगलवार को भी जाम लगने के कारण आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। ततारपुर से स्टेशन चौक, मानिक सरकार चौक से आदमपुर चौक, घंटाघर से पटल बाबू रोड, कचहरी चौक और भिगनपुर समेत कई जगहों पर दिन भर वाहन रेंगते रहे। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी भी जाम में घंटों फंसी रही। समाहरणालय से लेकर भोलानाथ पुल तक वाहनों की लंबी कतार दिखी। वहीं शहर के कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। घंटों जाम लगे रहने के बाद वाहन चालक खुद जाम हटाने में लग गए। लोगों ने बताया कि दिन में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाले वाहनों के कारण सकरे रास्ते पर प्रतिदिन जाम लग रहा है। मंगलवार को भिकनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप DIG सुजीत कुमार की गाड़ी भी महाजाम में फंस गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह जाम हटाया। वहीं शहर में दिन भर रुक रुक कर जाम लगता रहा और लोग जाम टूटने का इंतजार करते दिखे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुंगेर नगर निगम के सभी 45 वार्ड में अब घर घर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर वुडको की अमृत योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 198 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही जमालपुर नगर परिषद में 55 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना पूरी की जाएगी। मंगलवार को इन दोनों योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। वहीं कस्तूरबा वाटर वर्क्स में शिलान्यास के कार्यक्रम में मेयर रूमा राज, राजद विधायक विजय कुमार विजय, नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री, एडीएम विधानंद सहित कई पदाधिकारी एवं भाजपा के नेता मौजूद थे। इधर शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मुंगेर सांसद राजीव रंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मियों ने मंगलवार को भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों ने श्रम कानून
लॉकडाउन के अंतर्गत वेतन, ड्यूटी, छुट्टी एवं बोनस देने की मांग करते हुए प्रत्येक एम्बुलेंस कर्मियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने और 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन पर एम्बुलेंस कर्मियों से दुष्व्यवहार करने का आरोप लगाया। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने पर विभाग की ओर से जेल भेजने की धमकी दी जाती है, जबकि कोरोना महामारी के बावजूद एम्बुलेंस कर्मी अपनी जान को खतरे में डालकर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से एम्बुलेंस कर्मियों की उपेक्षा लगातार जारी है। मौके पर नीलेश कुमार झा, पुष्कर कुमार, मोहम्मद उमर काशिम समेत काफी संख्या में राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के सदस्य एवं एम्बुलेंस कर्मी मौजूद थे। लोगों का मांग है एम्बुलेंस कर्मी का कि हम लोगों का 2,000 रुपया जो कंपनी से वार्ता हुआ है, हर स्टाफ पे 2,000 का बढ़ोतरी किया जाए, हम लोगों का 8 घंटा जो ड्यूटी है 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए, हम लोगों के साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है, हॉस्पिटल में रहने के लिए रूम नहीं है, एम्बुलेंस कर्मी एम्बुलेंस में रहने के लिए बेबस हो जाते हैं और कोरोना काल में ड्यूटी करते हैं, टाइम से वेतन नहीं मिलता है, हम लोगों को धमकी दिया जाता है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वजैन उद्दीन अंसारी ने आदेश जारी कर निवर्तमान अध्यक्ष इरशाद अली की ओर से गठित नई कमेटी को निरस्त कर दिया है। 10 सितंबर को जारी पत्र में सीईओ ने कहा कि इरशाद अली आजाद ने बिना शिया वक्फ बोर्ड कार्यालय की जानकारी के अधिसूचना निर्गत कर नई कमेटी का गठन कर दिया, जिस कारण विवाद होने की संभावना है। इसीलिए निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा जारी सभी जिला औकाफ कमेटियों को नियम सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया गया। वहीं भागलपुर सिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जिजा हुसैन ने कहा कि कमेटी का गठन 2018 में किया गया था, जिसका कार्यकाल अभी बाकी है। साथ ही सैयद हुसैन ने कहा कि बिहार सिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। कल मुझे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का एक लेटर आया है, जिसमें कि जो 15 डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर इसमें इंक्लूड है, उसकी औकाफ कमेटी का गठन इरशाद हुसैन आजाद साहब जो अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के, जिनका टेन्योर 3/9/2020 को ख़त्म हुआ है, वो उन्होंने गठित कर दिया था बगैर किसी कार्यालय जानकारी के, और इसको निर्गत करने का अधिकार जो है वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का होता है। तो उस सिलसिले में भागलपुर के संदर्भ में कहा गया कि भागलपुर में ऑलरेडी औकाफ कमेटी जो ज़िला शिया वक्फ कमेटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, जिसका गठन 30/8/2018 को हुआ था, अभी उसका टेन्योर बाकी है और उसको बगैर भंग किए हुए कमेटी का गठन करना नियम के खिलाफ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बाल विकास परियोजना की ओर से मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मार्ग से होते हुए तिलकामांझी चौक से समाहरणालय पहुंचकर संपन्न हुई। इसके पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्चना कुमारी एवं जिला जनसंपर्क सह नोडल पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीपीओ ने बताया कि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें, इसी उद्देश्य से जिले भर में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जागरूकता रैली में ICDS के कर्मी भी शामिल रहे। रैली में खरीक, पीरपैंती एवं नाथनगर के CDPO तबरेज खान, रंजन, विवेक, पूजा कुमारी समेत कई कर्मी उपस्थित थे। बांका के अमरपुर थाना अंतर्गत धर्मपुर गाँव के समीप स्टेट बैंक के CSP संचालक से हथियार के बल पर 73,000 रुपए लूट ली गई। घटना को लेकर बताया गया कि CSP संचालक इजराउल हक अपने गाँव खरियारा गाँव से अमरपुर थाना अंतर्गत दौना गांव जा रहे थे। इसी दौरान धर्मपुर गांव के समीप घात लगाए 3 अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया। वहीं स्थानीय लोगों को जब तक इसकी भनक लगती तब तक तीनों अपराधी फरार हो चुके थे। CSP संचालक ने कहा कि अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। घटना ये हुई कि अपने घर से हम आ रहे थे अपने CSP के अंदर दौना, ठीक है, सो उसमें से हम देखे नहीं थे, मेरे पीछे से 3 लोग आ रहे थे फैशन पे, ठीक है, और गाड़ी में नंबर नहीं था, गाड़ी पूरा प्लेन था, वो लोग आ रहे थे, अचानक से वो लोग रुके तो मैंने भी बाइक घुमाया भागने के लिए, लेकिन वो लोग निकाल लिए, बंदूक निकाल लिए, ठीक है, और वो मेरा मोबाइल, 200 मोबाइल था और ये पूरा बैग वो लेते थे। पीरपैंती में टेम्पू ड्राइवरों की मनमानी से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। टेम्पू ड्राइवरों ने स्टैंड को छोड़ NH-80 और NH-133H को ही टेम्पू पड़ाव बना दिया है, जिस कारण पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई है। लिहाजा आए दिन NH-80 मिर्ची मंडी सहित अन्य जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं जाम की वजह से लोगों को भी पैदल आने जाने सहित अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम का आलम यह है कि सुबह हो या शाम लोगों को हमेशा इस परेशानी से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद शहरवासियों के लिए नासूर बनी इस समस्या पर किसी अधिकारी की नजर नहीं जाती। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उप निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, 12 जिलों के DM एवं SP हुए शामिल।
राज्य में दूसरे दिन भी थमी रही ट्रकों की रफ्तार, करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ प्रभावित। प्रेमजीत हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, घटना में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। और शहर में नासूर बनी जाम की समस्या, डीआईजी की फंसी गाड़ी तो बॉडीगार्ड ने छुड़ाया जाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।